ने अगर किसी फिल्म स्टार को अगर गुड़गांव से टिकट देनी है तो रणबीर सिंह को दे दें, अगर देनी है आपने फिल्म स्टार को, क्योंकि राज बब्बर का नाम चल रहा है इसलिए आप बोल रहे हैं। रणबीर कपूर है, रणबीर सिंह है, ऋतिक रोशन है, वो तो सितारे हैं। अगर आपने क्या यहाँ पर अकाल आ गया क्या, क्या यहाँ कार्यकर्ता नहीं है, क्या यहाँ पर लड़ने वाले लोग नहीं है क्या, किस बात पे? राज बब्बर जी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लड़े चुनाव यहाँ के, मैं तो उनकी मदद करूंगा, अगर उनको पार्टी टिकट देगी तो। कौन बताएगा कारण, पूछता हूँ कोई जवाब नहीं। नाराजगी है क्या कांग्रेस से? मुझे नहीं नाराजगी, जवाब नहीं ले रहा, लेकिन कांग्रेस के आप वरिष्ठ नेता है, लगातार चुनाव लड़ा है। पार्टी को कार्यकर्ता तिलमिला रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी फैसला हो। आज तारीख 24 होगी, 25 मई को इलेक्शन है, एक महीना ही बचा है। बीजेपी के उम्मीदवार अपना लगातार प्रचार कर रहे हैं। आपने अगर किसी फिल्म स्टार को अगर गुड़गांव से टिकट देनी है तो रणबीर सिंह को दे दें, अगर देनी है आपने फिल्म स्टार को, क्योंकि राज बब्बर का नाम चल रहा है इसलिए आप बोल रहे हैं। अरे भैया, रणबीर कपूर है, रणबीर सिंह है, ऋतिक रोशन है, वो तो सितारे हैं। अगर आपने क्या यहाँ पर अकाल आ गया क्या, क्या यहाँ कार्यकर्ता नहीं है, क्या यहाँ पर लड़ने वाले लोग नहीं है क्या, किस बात पे? राज बब्बर जी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लड़े चुनाव यहाँ के, मैं तो उनकी मदद करूँगा, अगर उनको पार्टी टिकट देगी तो। लेकिन मुझे कोई कारण तो बताएं, कौन बताएगा कारण, पूछता हूँ तो कोई जवाब नहीं। नाराजगी है क्या कांग्रेस से? मुझे नहीं है नाराजगी, मैं तो अपने नेता, आज इस कुर्सी पर बैठा है तो सोनिया गांधी जी की वजह से बैठा हूँ, खड़गे जी के जी वजह से बैठा हूँ, राहुल गांधी जी से भी सिख की वजह से मैं बैठा हूँ। मैं वहाँ अभी हम थे, वहाँ साथ थे, वहाँ पार्टी नाराज होता उस प्रोग्राम में क्यों आता मैं? मुझे अगर टिकट नहीं भी मिलेगी तो हम सबर करेंगे। फिर गुस्सा किसके ऊपर है? गुस्सा ये है कि पार्टी को नुकसान हो रहा है। अगर लेट टिकटों के उम्मीदवार घोषित होंगे तो पार्टी को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा? नुकसान हो ही रहा है यार, और मैं बार बार क्यों कहवा रहे हैं, जितना देर करेंगे उतना नुकसान होगा। आपकी इच्छा है चुनाव लड़ने की? अरे भैया, एफिडेविट दूँ क्या आपको? जब मैंने बोल दिया लड़ना चाहता हूँ मैं, एक बार आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर किसी सेलिब्रिटी को टिकट देना है तो, अगर देना ही है तो, वैसे जरूरत नहीं है, ये कह रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल कैप्टन अजय यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन टिकट का भी इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नाउ द टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।